हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर ह्यूमन वॉइस में। तो आज की वीडियो में मैं बेस्ट यूनिफॉर्म जो आपको ज़्यादा समय तक काम आएंगे, डेली यूज़ कर सकते हो उन यूनिफॉर्म को, ज़्यादा बैटल्स में मतलब ज़्यादा मैचेस में आपको ये काम आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई खाली एक दो मैच खेल के इनका काम कोई नहीं है, ओके। इन सब का काम जो जो इस वीडियो में यूनिफॉर्म बताने वाला हूँ, स्पेशली ब्लैक फ्राइडे से मेरे भाई वो आपको लेना होगा। मतलब क्रिस्टल है तो भाई वो यूनिफॉर्म लेना, और इसको कैसे बिल्ड करना, किसको आसान है बिल्ड करना, किसको मुश्किल है, उन सब कैरेक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा और यूनिफॉर्म के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई सबसे पहला यूनिफॉर्म मैं बोलूँ तो थॉर, यस थॉर का मैं रखा हूँ पहला यूनिफॉर्म, क्योंकि भाई ये थॉर यूनिफॉर्म है ना भाई, ये एक्चुअली में पीवीई का कैरेक्टर है। हालांकि मैं अपने पावरफुल कैरेक्टर की जो वीडियो थी टाइम एंड मेटल की, उसके लिए मैंने इसको पीवीपी का कैरेक्टर बोल दिया था, इसलिए आई एम सॉरी गाइस, उस पीवीपी का कैरेक्टर नहीं है, पीवीई का कैरेक्टर है थॉर। तो यार गाइस, ये पीवीपी का ही आपको जैसे कि वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट और स्टोरी मोड है और अपना ये जीबीआर है, अलायंस बैटल है, इन सब में ये काम आता है। मतलब ज़्यादातर और डेली यूज़ का होता है, ओके। और इसको बिल्ड करना तो भाई एकदम आसान है, बायोमेट्रिक्स पे इसको आपको सपोर्ट शॉप में मिल जाएगी, इसको बिल्ड करना आसान है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है भाई आयरन मैन। हाँ पता है भाई, आप लोग बोलेंगे भाई तूने आयरन मैन को फर्स्ट रखने के लिए बंदे थॉर को फर्स्ट क्यों रखा भाई। भाई समझो, देखो यार आयरन मैन सेम टू सेम थॉर की तरह है, थॉर जहाँ जहाँ काम आएगा ना भाई, वहाँ पे आयरन मैन भी काम आएगा। जैसे ये टाइम में मेटल में काम नहीं आता है आयरन मैन, ओके, जहाँ तक मैं देखा हूँ, क्योंकि भाई मैं टाइम में मेटल खेलता हूँ आयरन मैन के साथ, तो भाई मैं आयरन मैन वही दम समझना हार जाता है। तो यहाँ पे जीबीआर में, वर्ल्ड बॉस में और स्टोरी मोड अल्टीमेट हो गया और अपना अलायंस बैटल है और डिस्पैच मिशन है, जहाँ जहाँ थॉर काम आएगा गाइस सेम टू सेम वहाँ पे अपना आयरन मैन भी काम आएगा, बैक टू बेसिक्स वाले यूनिफॉर्म के साथ। ये वाला न्यू यूनिफॉर्म जो कि मैंने परचेस किया, अगर आपके पास ये नहीं है तो स्पेशली ब्लैक फ्राइडे सेल में आप ले सकते हो, और इसको बिल्ड करने पर एकदम आसान है, ओके। और थॉर का लव एंड थंडर वाला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मस्त है, कैरेक्टर भी मस्त है, पावरफुल कैरेक्टर है, और यूनिफॉर्म का लव एंड थंडर वाला थॉर का, ओके। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन का लाल वाला यूनिफॉर्म लेना, नो वे होम वाला, ओके, ब्लैक वाला यूनिफॉर्म मत लेना। हालांकि मैं पहले ब्लैक वाला यूनिफॉर्म लिया था, लेकिन भाई टाइम एंड मेटल में ये रेड वाला जो यूनिफॉर्म है ना, नो वे होम वाला, वो चलता है। और ये टाइम एंड मेटल में भाई ये एक पावरफुल कैरेक्टर में आता है, ओके, टाइम एंड मेटल के लिए पीवीपी का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और भी वर्ल्ड बॉस लेजेंड हो गए, सॉरी वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट, वर्ल्ड बॉस लेजेंड हो गए, अभी इसको करने की सोच है लेकिन अभी नहीं करूँगा। तो वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट हो गया, अलायंस बैटल हो गया, स्टोरी मोड में भाई अभी इतना मुझे पावर नहीं दिखी इसके अंदर, ओके, जो है सांप है। और डिस्पैच मिशन में भाई ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, तो ये भी डेली यूज़ होता है, और ये यूनिफॉर्म भी मस्त है, इसको बिल्ड करना भी आसान है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म है लॉकी, ये लॉकी का एक ऐसा यूनिफॉर्म है गाइस जिसके हिट्स ना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये काला वाला, काला सूट वाला, सर पे सिंह वाला, ये वाला यूनिफॉर्म है ना, ना कि गलती से ब्लैक फ्राइडे की खुशी में आप ले लो ये वाला यूनिफॉर्म, अगर आपको लॉकी का यूनिफॉर्म लेना है, क्योंकि लॉकी एक अच्छा मतलब हिट ज़्यादा देता है ये कैरेक्टर, ओके, ये वाला यूनिफॉर्म मत लेना भाई, ब्लैक वाला यूनिफॉर्म लेना, क्योंकि इसके हिट्स असली में ज़्यादा है, ओके। और अगर इसके रोटेशन जानेंगे तो भाई इसके हिट्स बहुत आसमान छू लेते हुए। तो गाइस इसको बिल्ड करना आसान, और ये बोल रहा हूँ ये जो लॉकी भाई, इसको भी मैं लेवल 70 में करने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरे मटेरियल कम पड़ रहे हैं, ओके, मटेरियल कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी किया नहीं, अभी मैं हल्कों को काटा हूँ बिल्ड, तो उसके बाद मैं देखूँगा। नेक्स्ट यूनिफॉर्म है डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला यूनिफॉर्म। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज का अगर एपिक कॉस्ट आपके पास कंप्लीट नहीं है ना गाइस, कंप्लीट नहीं है तो भाई मत लो, अगर आप फ्यूचर में कंप्लीट करना चाहते हो तो लेके रख लो, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल भाई हर दिन, हर महीना नहीं आने वाला, ओके, हर महीना ब्लैक फ्राइडे सेल नहीं आएगा, 50% ऑफ नहीं होगा, तो इसलिए अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का एपिक कॉस्ट कंप्लीट है
100% कंप्लीट है बिकॉज, तो आप जाके डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला यूनिफॉर्म ले लो, ये भी आपको भाई सेम जगह काम आएगा। जैसे बताऊँ तो ये टाइम नेटल में भाई या थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हो गए टाइम में बैटल में, जो जहाँ तक मैं खेला हूँ गाइस ये टाइम में बैटल में अच्छा परफॉर्म करता है, GPR में, वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट, और अभी स्टोरी में अल्टीमेट का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपको अलायंस बैटल और डिस्पैच मिशन ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये वाला, और ये टाइम के साथ खेलता है, समझ रहे हो, डॉक्टर स्ट्रेंज है भाई टाइम के साथ खेलता है। तो यस आपको ये वाला यूनिफॉर्म, रुको जरा सबर करो, बोला था लेकिन बिल्ड करना हो तो ओके, अगर एपिक कॉस्ट कंप्लीट करना हो फ्यूचर में तो, क्योंकि गाइस हर महीने ब्लैक फ्राइडे सेल लेगा, बार बार बोलूँ, इसलिए आपको सोच समझ के फ्यूचर का सोच समझ के लेना है, और मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि भाई फ्यूचर में, क्योंकि ये सब सारे जो यूनिफॉर्म बताए ना गाइस ये फ्यूचर तक के मजबूत यूनिफॉर्म है ओके। हालांकि फ्यूचर के अगले 2-3 महीने तक इन यूनिफॉर्म का कोई नफ नहीं आने वाला है ओके। यहाँ पे लॉकी का यूनिफॉर्म हो गया या फिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिफॉर्म हो गया ओके। और लॉकी का यूनिफॉर्म भाई कहाँ कहाँ काम आता है भाई ये बता दो, अपने को GBR में अच्छा काम दे देगा 1 और 2 स्टार में, और दूसरा जो है वो ओके टाइम में बैटल का मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, PvP का कैरेक्टर ये नहीं है, लेकिन टाइम में बैटल में भाई ये यूज़ होता है ना भाई, इसको एकदम ईजिली ख़त्म कर देता हूँ मैं अगर मेरे सामने आता है तो ओके। तो सबसे पहले स्टोरी मोड खेल सकते हो, डिस्पैच मिशन खेल सकते हो ओके, और जो आपका ABL मतलब ABL नहीं हो सॉरी गाइस, अपना अलायंस बैटल ले लो, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म देता है ओके। अब भाई हल्क बस्टर को थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि हल्क बस्टर मैंने स्पेशली आयरन मैन को पावर देने के लिए रखा है, हल्क बस्टर 3000 वाला यूनिफॉर्म हाँ ये है ना भाई, आयरन मैन को 70% इनक्रीज कर देता है ऑल बेसिक्स अटैक्स, भाई आयरन मैन के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप साबित होता है ओके। तो अभी थोड़ी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, क्योंकि भाई रात देख सकते हो भाई मैं रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो। तो यस यहाँ पर बता दूँ कि ये स्पेशली आयरन मैन के लिए है, अगर आपके पास ये सब यूनिफॉर्म है थॉर, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, लॉकी, डॉक्टर स्ट्रेंज, तो जाके आप हल्क बस्टर का ये वाला यूनिफॉर्म ले सकते हो आयरन मैन को देने के लिए ओके। वरना आप पहले थॉर का यूनिफॉर्म लीजिए या फिर अपने आयरन मैन का बैक टू बेसिक्स, और फिर अपने रेड वाला सूट मतलब स्पाइडरमैन का ओके। ये सब मैंने यूनिफॉर्म लिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब भाई चलते हैं उन यूनिफॉर्म के ऊपर जो मैं लेने वाला हूँ फ्यूचर में, और यहाँ पे भाई कम ही यूनिफॉर्म बता रहा हूँ, ना कि ज़्यादा यूनिफॉर्म बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा यूनिफॉर्म बताने भाई सामने वाले भी मतलब आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो ओके। भाई मैंने तो डिसाइड किया भाई मैं यूनिफॉर्म लूँगा हल्क का, यस गाइस हल्क का मुझे अभी यूनिफॉर्म चाहिए, क्योंकि भाई PvP मतलब टाइम में बैटल है भाई, स्पाइडरमैन कब तक मेरा साथ देगा, मतलब कि उसके साथ भी कोई चाहिए या लड़ने के लिए, तो मैंने हल्क को चुना है। हल्क का न्यू वाला यूनिफॉर्म ये वाला हथौड़े वाला, ये भाई जब आया था स्टार्टिंग में ना गाइस इतना धमाल मचाया था ना भाई, प्लेयर को ऐसे ऐसे मतलब क्रिस्टल पे क्रिस्टल छाप के दे रहा था, मतलब क्या बोलूँ, लेकिन अपने गेम के नेट मार्बल को इसकी एक स्किल नफ करनी पड़ी, जिस स्किल की वजह से भाई वो टैनमेंट बैटल में धमाल मचा रहा था, लेकिन ये अभी तक नफ नहीं हुए, मतलब पूरी तरीके से नफ नहीं हुए, अभी भी ये पावरफुल कैरेक्टर है PvP के है ना लिस्ट में ओके। तो यस ये मैं लेने वाला हूँ एज अ फ्यूचर, आप भी ले सकते हो अगर आपको PvP ज़्यादा मतलब खेलना है तो, और ये भी भाई सेम जगह काम आएगा, अभी तो मैं लिया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है भाई कहाँ का काम आएगा, लेकिन मुझे लगता है वर्ल्ड बॉस में काम आ जाएगा, स्टोरी मोड में नॉर्मल वाला, और डिस्पैच मिशन में भी मैं ट्राई करूँगा, और ये मतलब GBR हो गया, अलायंस बैटल हो गया, भाई ये तो काम आने वाले ओके। नेक्स्ट यूनिफॉर्म है जिसको भाई और हल्कों को बिल्ड करना आसान है ओके, थानोस।
थैनोस को मैं लेने का सोच रहा हूँ। अब आप लोगों के ऊपर छोड़ो, आप कमेंट करके बताना अगर आपने थैनोस को यह यूनिफॉर्म लिया है और बिल्ड किया है तो भाई ये टाइम में बैटल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता गाइस, कुछ लोग से पूछ रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड से, तो भाई वो लोग बोले अच्छा नहीं है, कुछ बोले भाई बहुत अच्छा है, इसको ही लेने का मतलब मैं टाइम में बैटल की सोचो भाई, मैं 3 कैरेक्टर सेट कर रहा हूँ टाइम में बैटल में, तो भाई ये वाला यूनिफॉर्म थॉर, ये मतलब अपना थैनोस का जो एकदम लेटेस्ट यूनिफॉर्म है, एक तरह से न्यू यूनिफॉर्म बोलूँ तो थैनोस का ये लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म, और इसको बिल्ड करने पे 1170 करने पे या TA3 करने पे भाई कैसा परफॉर्म करना है प्लीज़ आप कमेंट बताना, तब जाके भाई मैं ये थैनोस का यूनिफॉर्म लेने की सोचूंगा ब्लैक फ्राइडे सेल में, क्योंकि भाई इसका यूनिफॉर्म अभी 2500 क्रिस्टल में मिल रहा है और ब्लैक फ्राइडे सेल में आता हो जाएगा मतलब 1250 क्रिस्टल 1250 क्रिस्टल में मिलेगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और कोई अच्छा यूनिफॉर्म और थैनोस को बिल्ड करना भाई मुश्किल है, एंटी मैटर और गोल्ड बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए आप सोच समझ कर लेना और बिल्ड करना। बोलूँ तो अगर आप बोलोगे भाई ये न्यू वाला यूनिफॉर्म बता भाई, तो मैं बोलूँगा भाई न्यू वाले यूनिफॉर्म का मैं अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, पहले आप इतना यूनिफॉर्म लीजिए जो न्यू प्लेयर है भाई, आप इतना यूनिफॉर्म लीजिए जो जो मैंने अभी बताया, जो मैंने यूनिफॉर्म लिए हैं और जो मैं लेने वाला हूँ, जैसे भाई मैं अभी तो 2 यूनिफॉर्म बताया जो मैं लेने वाला हूँ, जैसे हल्क हो गया, थैनोस का हो गया, एक तरीके से थैनोस का भी डिसाइड मतलब पक्का नहीं है, मैं लूँगा, बस आप लोगों का कमेंट का इंतजार है। थैनोस को बिल्ड करना भाई थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके अंदर एंटी मैटर गोल्ड और बहुत सारे बायोमेट्रिक्स और 2-3 मेटेरियल्स और लगते हैं भाई, लेकिन जो जो बिल्ड किया मतलब ओल्ड प्लेयर भाई जो जो ये वीडियो देख रहे भाई बिल्ड किए होंगे और उनके पास ये वाला यूनिफॉर्म है, तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताइए भाई ये कैसा परफॉर्म दे रहा है टाइम में बैटल में, ताकि भाई दूसरों को भी हेल्प हो जाए और मुझे भी हेल्प हो जाए कि भाई थैनोस को ये वाला यूनिफॉर्म लेना है कि नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो लाने में थोड़ा सा देर कर दिया उससे सॉरी।